हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ब्लैक पेपर पे कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा ग्लास मार्कर यूज़ करके। इससे पहले भी मैंने एक स्केच ड्रॉ किया था ब्लैक पेपर पे, जो कलर पेंसिल से किया था मैंने, और वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, जो रिसेंटली मैं यूट्यूब पे पोस्ट नहीं करता वो सब आर्टवर्क मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे होता है। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है विनोद शिंदे आर्ट्स। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और फॉलो कीजिए। जो यूट्यूब पे मैं डालता नहीं हूँ वो सब स्केच मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ये जानना कि वाइट पेपर और ब्लैक पेपर का इफेक्ट अलग अलग होता है। ऑलमोस्ट मैं मेरे आर्ट वर्क में वाइट पेपर का यूज़ करता हूँ, और ब्लैक पेपर का फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो वाइट पेपर पे हमें डार्क एरियाज ऑप्ट करने पड़ते हैं, और ब्लैक पेपर पे हमें हाईलाइट ऑप्ट करने पड़ते हैं। ये दोनों अलग अलग ग्रेड है और अलग अलग डिफरेंट वर्क है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखिए। कभी भी आप ब्लैक पेपर का यूज़ करते हो तो आपको हाईलाइट ही ऑप्ट करने हैं, और वाइट पेपर का यूज़ करते हो तो आपको डार्क एरियाज ही ऑप्ट करने हैं। आज का आर्टवर्क मैं इस पेपर पे बनाने वाला हूँ दोस्तों, तो यही मुझे नियर बाय स्टेशनरी में मिला है। ये 120 GSM का पेपर है, A4 साइज पेपर, 20 शीट्स आती है दोस्तों इसमें, और ये इसकी प्राइसिंग रेंज भी बहुत कम है। ये 65 रुपीज़ की 20 शीट्स मिल जाती है मार्केट में, इजीली अवेलेबल, और ये एसिड फ्री पेपर है दोस्तों। तो यही पेपर यूज़ करके मैं आज आपको आर्टवर्क दिखाने वाला हूँ।